नमस्ते दोस्तों, हाल ही में बीते कुछ दिनों में DRDO के द्वारा एक मिसाइल टेस्ट किया गया था और उसके अंदर DRDO के द्वारा जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी ना SFDR, उसके बारे में मैंने जो वीडियो बनाई थी ना आपने जान ही ली होगा। और यदि आपने उसको नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसका लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हो। ये आप लोग DRDO का ट्विटर हैंडल देखो, इसमें लिखा है DRDO अचीव्ड एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ AIP सिस्टम बाय प्रूविंग द लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप ऑन 8 मार्च 2021। द प्लांट वाज ऑपरेटेड इन एंड्योरेंस मोड एंड मैक्सिमम पावर मोड एज पर यूजर रिक्वायरमेंट AIP सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड बाय NMRL DRDO। तो जो आप NMRL DRDO देख रहे हो ना, इनके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को पूरी जानकारी, और जो आपके सामने जो AIP जो वर्ड दिख रहा है ना, जो AIP सिस्टम होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर जो DRDO के द्वारा और DRDO के साथ मिलके जो NML, ये NML क्या होता है, और इसी के साथ हम लोगों को ये समझना होगा जो AIP सिस्टम है, आखिरकार ये AIP सिस्टम होता क्या है, और जो AIP सिस्टम है ना उनका क्या रोल है, आखिरकार जो क्या रोल है सबमरीन के अंदर, और सबमरीन क्या होती है, पानी के अंदर चलती है, जहाँ पे AIP का क्या रोल है, यानी कि जो AIP सिस्टम है ना क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपना माइंड कूल करते हैं ताकि मैं आप लोगों को नॉलेज फुल दे सकूं। अब हुआ आप लोगों का माइंड कूल, मैं देता हूँ आपको नॉलेजफुल। तो स्टार्ट करते हैं भारत की बात प्रजापति के साथ। आओ समझते हैं कि भारत की दो ही तो आन बान शान है, कौन कौन सी, एक तो इसरो है जो कि अंतरिक्ष के अंदर काम करती है, और दूसरी DRDO जो कि डिफेंस के अंदर काम करती है। और DRDO के द्वारा जो AIP सिस्टम विकसित किया गया है, जो डेवलपमेंट किया गया है, उसके बारे में समझते हैं। इससे पहले दोस्तों हम जो नाम जानते हैं कि आखिरकार जो DRDO के अंदर जो आपने ट्विटर हैंडल अकाउंट देख रहे हैं ना आपने, NMRL जो ये वर्ड आए ना, इनका मतलब क्या है, और ये DRDO इनका फुल नेम क्या है, पहले इनको लोगों को जानते हैं तभी तो हम आगे की समझेंगे कि आगे की रामायण क्या है। NMRL का फुल नेम होता है नोवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, यानी कि जो विकसित किया गया है ना जो AIP सिस्टम, इसके द्वारा बनाया गया है। और जो आप देख पा रहे हो ना DRDO का फुल नेम होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इनका फुल नेम होता है जो आप लोगों ने जाना। इसके आगे की कहानी समझते हैं। आप लोग जानते होंगे जो पानी के अंदर जो नीचे चलती है ना, उसे आप लोग साधारण भाषा के अंदर पनडुब्बी, और इसे ही सबमरीन के नाम से जाना जाता है। और जो सबमरीन जो पनडुब्बी होती है ना, आपको पता है पानी के अंदर नीचे चलती है, पानी के अंदर नीचे चलती है तो कभी ना कभी तो बाहर तो आना पड़ेगा, यानी कि जो इनका जो सिस्टम है, यानी कि जो चार्जर होता है, जो काम करने की जो फ्यूल होता है ना, ये तो नहीं है कि दोस्तों पूरे विश्व भर में देखा जाए ना तो डीजल से चलने वाली जो इलेक्ट्रिक पनडुब्बी होती है ना उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब जाहिर सी बात है डीजल से चलेगी तो दोस्तों जब 3 से 4 दिन के अंदर इनके अंदर जो फ्यूल खत्म हो जाता है, और जिनकी बैटरी होती है इनको चार्ज करने के लिए इनको सतह पर आना पड़ता है, और जिसके कारण दोस्तों जो इनका सबमरीन जो पनडुब्बी का जो मेन ऑपरेशन होता है ना वो नहीं हो पाता, क्योंकि 4 से 5 दिन के अंदर फिर इन्हें पुनः चार्जर या आवेशित होने के लिए इनको ऊपर आना पड़ता है। इसी को देखते हुए हमारे भारत की आन बान शान कौन, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा AIP सिस्टम विकसित किया गया। जो आप लोग देख पा रहे हो ना जो AIP सिस्टम क्या होता है, AIP का फुल नेम होता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोप्यूलेशन, एयर मतलब वायु, और जो इंडिपेंडेंट यानी कि वायु से फ्री, जो इंडिपेंडेंट हो जाए, जो कि निर्भर नहीं करे, और प्रोप्यूलेशन ये इसका फुल नेम होता है। आप समझते हैं कि आखिरकार जो AIP सिस्टम ना वो आखिरकार होता क्या है। AIP सिस्टम होता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, जो समुद्र के अंदर जो सबमरीन होती है ना DRDO के द्वारा, DRDO NMRL के द्वारा इसको विकसित इसलिए किया गया है कि जो समुद्र के अंदर जो हमारी पनडुब्बी जो हमारी सबमरीन होती है ना, जो इनका मेन ऑपरेशन होता है ना वो कर नहीं पाते। मैंने आप लोगों को बताया कि 4 से 5 दिनों के अंदर इनको ऊपर आना होता है अपने चार्ज करने के लिए, यानी कि अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए इनको ऊपर आना होता है। इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए AIP सिस्टम का विकसित किया है। ये एक बैटरी के रूप में होगा जो कि पनडुब्बी के अंदर फिट होगा, और ये इसको लॉन्ग टाइम तक नीचे पानी की सतह के अंदर रहने का
प्रयास करेगा ये वाला सिस्टम। इसके अंदर जो फ्यूल सेल होगा और फ्यूल सेल जैसे कि ईंधन सेल, और ईंधन सेल आखिरकार करता क्या है? ईंधन सेल सीधा सा दोस्तों आप लोगों को पता होगा, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा होती है ना उसको विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है। ये फ्यूल सेल का काम होता है। जैसे ही दोस्तों DRDO के द्वारा ये सफलतापूर्वक AIP सिस्टम को जो डेवलप कर लिया गया ना, तो इन्होंने ही दोस्तों क्या किया, मैंने आप लोगों को बताया, ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया। और इसी के साथ दोस्तों हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन, राजनाथ सिंह, जो कि हमारे भारत के रक्षा मंत्री है, और इसी के साथ DRDO के प्रमुख कौन है, तो आप बोलेंगे डॉक्टर सतीश रेड्डी इनके प्रमुख है। और जो डॉक्टर सतीश रेड्डी होते हैं वो हमारे रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए AIP सिस्टम को डेवलप करने के कारण हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा जो DRDO की टीम है मुख्य अध्यक्ष उसको बधाई दी गई, कॉन्ग्रेचुलेशन दिया गया AIP सिस्टम विकसित करने के लिए। इसी के बीच मैं आप लोगों के बीच में एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, जो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट करना है। आप लोगों को बताना है DRDO की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। यदि आप लोग कमेंट करेंगे ना तो मैं आपका वीडियो के अंदर नाम लूँगा। हाय दोस्तों, हम लोग हमेशा ही सोचते थे कि आखिरकार न्यूज आर्टिकल इन सबको हम रीड करके अपनी नॉलेज को बूस्ट करते रहते हैं और इनके सही मायने क्या है। इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने एक पॉजिटिव वीडियो बेस्ट सॉल्यूशन तैयार किया गया। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को कुछ वैल्यू मिलती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही ना, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी के साथ आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपका दिन मंगल हो।